सीबीआई ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 सिविल सेवा विद्यार्थियों की मौत के मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 सिविल सेवा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना के तान्या सोनी और केरल की नेविन डेलविन की डूबने से मौत हो गई थी। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद दिल्ली पुलिस से मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की मौत पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि विद्यार्थी बेसमेंट से बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या बेसमेंट के दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां संकरी थी। उच्च न्यायालय ने पूछा कि आप किस पहलू से जांच कर रहे हैं, अभ्यर्थी कैसे डूबे, वे बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं आ पाए, बेसमेंट में अचानक इतना पानी नहीं भरता, इसमें पानी भरने से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है और यह 1 मिनट में नहीं हो सकता, वे बाहर क्यों नहीं आ पाए। अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से इस आपराधिक मामले की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को भी कहा था।